योग एक प्रकाश है जो एक बार जल जाए तो कभी कम नहीं होता। जिसका बेहतर आप अभ्यास करेंगे ज्योति उतनी ही तेज होगी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। इस जून को हर साल पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए योग के महत्व को रेखांकित करता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना और इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर वेलनेस, जिसका उद्देश्य है योग के माध्यम से संपूर्ण स्वास्थ्य और सुख समृद्धि को बढ़ावा देना। कोरोना महामारी के बाद लोगों ने अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना शुरू किया है और ऐसे में योग ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योग सभी उम्र के लोगों के लिए लाभदायक है। आज योग दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। योग करें और निरोग रहें, क्योंकि ये भी एक काया है, एक धन की तरह होती है। जैसे शरीर अपना एक धन में लोग संचित करते हैं धीरे धीरे, उसी तरह शरीर को भी एक संचित करने का माध्यम। जैसे कोई भी प्रकार से इन्वेस्टमेंट आदमी करता है, मैं आर्थिक जगत से हूँ तो इसलिए उसी माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। छोटे छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको अपनी आय को बढ़ाने के लिए, बुरे वक्त में सही करने के लिए, उसी तरह योग करना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे योग करें, नहीं ज़्यादा कर सकते आप, छोटे आराम से 5 मिनट 10 मिनट नेति क्रिया करें ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। ये काया भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी काया स्वस्थ रहेगी, मन स्वस्थ रहेगा, तो आप अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। जैसा कि सर्वविदित है, योग से नहीं शरीर स्वस्थ रहता है, न केवल, बल्कि मस्तिष्क भी स्वस्थ होता है। और साथ में योग करने वाले के अंदर एक सकारात्मक सोच की उत्पत्ति होती है, जो कि समाज के लिए बहुत आवश्यक है। आज के इस युग में, भौतिकवादी युग में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तनाव की। और इस क्षेत्र में मेरा ये मानना है कि जो लोग नियमित रूप से योग करते हैं वो तनाव मुक्त रहते हैं, उनका मन शांत रहता है। एक तरफ जहां पूरे विश्व में 21 जून को योगा दिवस मनाया जा रहा है, विश्व योगा दिवस मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम चाहेंगे कि बुंदेलखंड के भी नौजवान, बुजुर्ग लोग, सभी लोग मिल करके उस योगा दिवस में योगा का कार्यक्रम करें और उससे सीख लें, क्योंकि इससे योगा से सिर्फ एक काम करने का तरीका ही नहीं, इससे आपका स्वास्थ्य लाभ भी होता है। इससे जब आपका स्वास्थ्य लाभ होगा तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। तो दर्शकों, आज ही योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं।